शुरुआत हुई, आपने किया, शिवांगी जोशी ने किया, मौसम खान ने किया, अभी शहजादा और हर्षद, क्योंकि हर्षद ने भी काफ़ी कहा कि 8 साल तक एक शो करना कि बहुत बड़ी बात होती है, हर्षद ने खुद कहा है, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? रियली अप्रिशिएट देम, बहुत हार्ड वर्क है, जितने भी लोगों ने उसमें काम किया है सबका बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, एंड आई थिंक उनकी हार्ड वर्क की वजह से एंड पॉजिटिविटी की वजह से वो शो इतना लंबा चल रहा है, अभी टॉप टॉप 4 में है उस शो, और अप्रिशिएट दैट एंड इट्स प्योर एंड प्योर हार्ड। जो भी एक्टर इस शो से जुड़ जाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी मतलब नंबर वन हो जाती है, जैसे आप है तो आपने भी इस शो किया तो आपकी पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है, लोगों ने जाना आपके काम को जाना, क्या कहना चाहेंगे? मतलब हर कोई, शिवांगी हो, हर्षद हो, टॉप एक्टर, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। हम जिस तरीके से काम करते हैं और जिस तरीके से हम अपना हार्डवर्क डालते हैं, जो मेहनत लगती है एक पूरी टीम को, वो पूरी टीम का हार्डवर्क है, बीट स्पॉट बॉय, मेकअप, हेयर, कैमरामैन, एवरीबडी, सबकी वजह से हम यहाँ है आज जहाँ है, एंड हैट्स ऑफ टू देम, एंड आई होप ऐसे ही चलता है। ऐसा क्या है कि दूसरे शो 2 महीने में बंद हो जाते हैं? नहीं, कॉन्ट्रोवर्सी नहीं, जस्ट आई एम आस्किंग, ऐसा क्या है शो के अंदर जो दूसरे शो मतलब 2 महीने 3 महीने 100 एपिसोड कंप्लीट नहीं हो पाते आजकल? हम आप तो जानते हैं, आप तो इंडस्ट्री के एंड आजकल क्या हो गया ना, लोग ना मूड स्विंग बहुत होते हैं कि हम आजकल रील्स का जमाना है, लोगों को 5 सेकंड की रील्स देखते हैं आगे चलते हैं, 5 सेकंड की रील्स देखते हैं आगे चलते हैं, तो आई थिंक लोगों को बदलाव बहुत पसंद है, आई थिंक कहीं ना कहीं उसी के चक्कर में वो शो कुछ नया देखना पसंद करते हैं, आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। ओके, आखिर में आप अपने फैंस से आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, प्लीज 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 कीप लविंग द वे यू डू, कीप लविंग अस द वे यू डू, एंड वी वोंट एवर डिसअपॉइंट यू विद आवर वर्क, एंड या कीप लविंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।